पार्टी। अरे यू हैव टू से पूजा हैज टू स्टार्ट, व्हाट आर यू सेइंग? बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप YouTube पे जाके भी जब कमेंट्स देखेंगे, चाहे सॉन्ग्स के हैं ट्रेलर के हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। इट्स वेरी इनकरेजिंग क्योंकि वायरल हो गया था ट्रेलर, गाना भी काफी मिलियन व्यूज पहुंच चुके हैं, पता नहीं कितने में, एक्चुअली आई एम बैड विद नंबर्स, आई डोंट नो, बट इट्स लॉट ऑफ फन। 5 का तो काफी आगे निकल चुके हैं। सो या इट्स गुड फन एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। वेरी एक्साइटेड या व्हेन जब मैंने कहानी सुनी थी तभी मुझे लगा था कि बहुत फनी है, बट इतनी पसंद आएगी ऑन ट्रेलर, वी वर एक्चुअली क्वाइट लाइक ओके। जितने मीम्स बन रहे हैं ऑन द वेरियस डायलॉग्स, जो राइटिंग है आउटस्टैंडिंग, जस्ट टच वुड, यही है मीम्स बहुत बन रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। सो मीम्स ऐसा कोई यूनिक जो आपको बहुत पसंद आई हो या आपने पर्सनली देखी हो कोई? मुझे वो वाली बहुत पसंद है विजय राज सर की, कि अंतर होता है क्या इन दोनों में, क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है क्या गालिब और गालिब में, या अंशुमन और आयुष्मान में? हाँ या दैट वाज वेरी फनी, ये 30% लोग मुझे अंशुमन ही बुलाते हैं बचपन से, सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम प्रोबेबली अंशुमन आल्सो। ओके, आज का जो सॉन्ग है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। बहुत ही फन लग रहा है, मराठी कॉस्ट्यूम में दिख रही है मैम और आप एकदम अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। मैं बयान यार मैं अभी बयान नहीं कर सकता कि कॉस्ट्यूम क्या है, मतलब इट्स सो फुल ऑफ कलर्स कि इस पे इतने कलर्स मैंने आज तक, वो बचपन में खेलते टिप्पी टिप्पी टैप, व्हाट कलर यू वांट, यू कैन प्ले दैट विद माय कॉस्ट्यूम, बट राइट नाउ इट्स लॉट ऑफ फन। बहुत ही बड़ा गाना है ये, गणपति गाना है और गणपति सीजन में पक्का रॉक करने वाला है गाना, और ये मराठी फोक सॉन्ग है और दादा कुंडके के टाइम का गाना है, सो लॉट ऑफ फन। इट्स पहली बार मैंने ऐसे रेन सीक्वेंस में बारिश में गाना किया है जहाँ पैर स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा बाल कहाँ है, मेकअप कहाँ है, सब उतर गया है, वी हैव नॉट बॉदर्ड, बट इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, द मिनट द रेन केम ऑन आई सेड ये होता है, आई फेल लाइक आई वाज इन अ डांस पार्टी, रेन डांस पार्टी। या फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि मेरी फिल्मों में ऐसे गाने नहीं होते, मतलब वो बहुत रियलिस्टिक होती हैं, यहाँ पे सब कुछ वो कर रहा हूँ जो मैं आज तक नहीं किया है, लाइक रेन डांस हो रहा है, फुल डांस, मतलब फुल नगाड़े के साथ डांस कर रहे हैं, सो बहुत मजा आ रहा है। ओके सर, आप दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फर्टिनिटी में और इस सॉन्ग में भी एक कोई फीचर कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बता पाए थोड़ा? यार अभी बता सकते हैं, अलाउड है क्या? मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम, कैन वी टेक द नेम ऑफ द गेस्ट हू इज फीचरिंग इन द सॉन्ग? नो, बता सकते हैं अभी? नो, देखो ऐसा तो हाँ तो बोल सकते हैं ना, ऑफ कोर्स मैं रितेश भाऊ का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ रितेश देशमुख का, एंड आज तो मजा आ गया मुझे शूट करके, मतलब द वे ही डांसेस एंड हीज कनेक्ट विद महाराष्ट्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं पूरा अपनी फिल्म के लिए, और वो उस फिल्म की स्टार्टिंग गाने की स्टार्टिंग में यही बोल रहे हैं कि अक्सर जो डांस नंबर्स होते हैं, प्रमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, पंजाबी के होते हैं, हिंदी के होते हैं, मराठी गाना क्यों नहीं होता, दिस इज दैट मराठी सॉन्ग। एंड आई वाज टू ही वाज राइट हियर, आई वाज हियर, तो मैं एक्चुअली कैमरा भूल के उनको देख के स्टेप करी, आई सेड ओके, लाइक आई वाज वाचिंग यू, टू गुड। ओके सर, और उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजेदार, धमाकेदार, एंड बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ। एक तो मेरा एक स्टार्टिंग में एक स्लो मोशन वॉक है उनके साथ, मैं नॉर्मली फिल्मों में स्लो मोशन वॉक नहीं होता है, दे वेरी रियलिस्टिक फिल्म्स, वही बोल रहा हूँ मैं इस फिल्म में वो कर रहा हूँ जो आज तक नहीं किया मैंने, सो स्लो मोशन वॉक उनके साथ की, उनको देखा है ऐसे हाई फाइव दिया, फील आ गई, मतलब हर तरह की फिल्म करना चाहता हूँ। ये बाला जो है ये बहुत ही अलग है, जैसे आर्टिकल 15 पिछली थी उससे बिल्कुल ही डायरेक्टली ऑपोजिट ये फिल्म है, अगली जो बाला होगी वो आई थिंक इट विल बी इन मिडल, इन बिटवीन ड्रीम गर्ल एंड आर्टिकल 15, सो आई वुड लाइक टू डू एवरी काइंड ऑफ फिल्म। ओके सर, और वन मोर, बहुत ही यूनिक है जो आपका कैरेक्टर है इसमें, आप फीमेल का वॉइस निकाल रहे हैं, सो कैसे आपने कभी पर्सनली कभी किसी को ऐसा टीज किया, मस्ती की है इसके साथ? की है जब मैं 14-15 साल, तुमने किया कभी? कैसे, मर्दों की आवाज़ नहीं, नहीं नहीं कभी तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें फोन किया और लड़की की आवाज़ निकाल के स्कूल के टाइम पे और मम्मी से बात करते हुए तुमसे बात की हो? कभी नहीं किया? लेकिन अगर मम्मी या उनके पापा उठा लेते तो मैं, जब मैं 14-15 साल का था तो मैं लड़की की आवाज़ निकाल के बात कर लेता था, तो आराम से लंबी बात हो सकती थी, नहीं तो पेरेंट्स हमेशा देखते हैं लड़के का फोन है, तो इट वर्क्स। ओके, लाशी 13 को आ रही है, रिलीज हो रही है, सो क्या कहना चाहेंगे इन, अगर मराठी स्टाइल में अगर कहना चाहेंगे, बिकॉज आज मराठी सीक्वेंस हो रहा है, सो देखो ऐसा है मैं मुझे पंजाबी लिखनी पढ़नी आती है, मराठी वो सगड़ा समझते,
पर बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ समझ में पूरा। ये मुंबई से इसको पूछो। आई एम गुजरात से, गुजराती बट लाइक आपकी फिल्म ड्रीम गर्ल 13 तारीख रिलीज होना है। वेरी होनहार, बहुत होनहार है, बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट या सॉरी क्यों दोबारा बोलते हैं, ऐसे मत करो, फिर से एक टेक लेंगे, दोबारा बताओ क्या बोलना है। आपकी फिल्म ड्रीम गर्ल 13 तारीख का रिलीज होना है, सिंपल सर, सिंपल। गाइस, थैंक यू।